विगत दिनों से कुछ हवा जो दिल्ली लखनऊ बाईपास पर हैं उनके बारे में निरंतर ये वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि ये वहाँ पर न केवल नशे का सेवन कराते हैं वरन जो है मादक पदार्थों का विक्रय भी करते हैं। इस सूचना पर हम लोगों ने बहुत ही प्लान तरीके से इसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराई। इसमें जो हमारी पुलिस की टीम थी वो ट्रक ड्राइवर्स के तौर पर ही गई, क्योंकि उस एरिया में ट्रक ड्राइवर्स का लगातार आना जाना था। कई परिवारों के बच्चे वहाँ खाने पीने आते थे, साथ ही साथ वहाँ पे कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे जिनके बच्चों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। लिहाजा हमारी टीम ने वहाँ पर जो ड्राइवर्स थे ड्राइवर्स के तौर पे ही वहाँ पर पिकअप गाड़ियाँ लेके गए और उसके आधार पे हम लोगों ने वहाँ पर अपना जाल फैलाया और इसमें हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 ढाबा मालिक हैं और इनके पास से 10 किलो डोडा चूर्ण बरामद हुआ है। इन लोगों ने पूछताछ पर हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं जिनके बारे में हम उसको डेवलप कर रहे हैं ताकि इनकी और कहाँ कहाँ नेटवर्किंग है उनको हम जान सकें। जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के दायरे में होगी और विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। अगर इन लोगों ने कोई इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनकी है जो अन्य उसमें आती है तो हम उसके हिसाब से इसको निश्चित तौर पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। अभी इस टाइप का कोई एविडेंस हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि वहाँ पर लगातार बच्चों का, छात्रों का और परिवार के लोगों का खाना के लिए आना जाना होता था, लिहाजा किसी पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े इस कारण जो है ये हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है।